मुंबई की मीरा रोड फ्लैट नंबर 704 के कुकर में क्या था? क्यों उस फ्लैट से टाइल कटर, वुड कटर जैसी चीजें मिली? मीरा रोड हत्याकांड, पार्टनर के टुकड़े करने वाला शख्स आखिर कौन था? क्यों ऐसा करना पड़ा? क्या मजबूरी रही होगी? 32 साल की महिला को लिव इन पार्टनर ने कथित तौर पर मार डाला। 56 साल के आरोपी मनोज सहानी ने कथित तौर पर कटा हुआ शरीर प्रेशर कुकर में उबाला। जिस घर में सरस्वती की हत्या की गई उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। गवाह नाम सुमेश श्रीवास्तव ने अधिकारियों को बताया था कि दंपति पिछले 3 साल से मीरा रोड मुंबई के फ्लैट में रह रहे थे। पड़ोसियों का दावा है कि दंपति ज्यादातर अपने आप में ही रहते थे। पड़ोसियों ने फ्लैट से दुर्गंध की शिकायत की। पुलिस वाले उतरे और फ्लैट के अंदर शरीर के 13 हिस्से पाए। खून और शरीर के अंगों से भरी 3 बाल्टी। पड़ोसियों ने कहा, मीरा रोड हत्या, आदमी ने लिव इन पार्टनर को मार डाला। उबले शरीर के अंग, खून से भरी बाल्टी मिली। 2014 में मनोज साने मुंबई के बोरीवली में एक स्टोर पर सरस्वती वैद्य से मिले। वह दुकान पर काम करता था। 2015 में साने और वैद्य मीरा रोड के गीता नगर इलाके में गीता आकाशदीप सोसाइटी के जिंग विंग में चले गए। 2017 में लिव इन कपल सोनम बिल्डर्स के जे विंग के 7th फ्लोर के फ्लैट नंबर 704 में रहने चला गया। 4 जून 2023 को उसने कथित तौर पर वैद्य की हत्या कर दी। हालांकि उनका दावा है कि उनकी अनुपस्थिति में पीड़िता ने 3 जून को आत्महत्या कर ली। 5 जून 2023 को साने धीरे धीरे शरीर के अंगों को आसपास के विभिन्न स्थानों में काटना और निपटाना शुरू करता है। 7 जून 2023 बिल्डिंग के निवासियों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने साने को अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ा और निवासियों की मदद से उसे लिफ्ट में पकड़ लिया क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रहा था। 8 जून 2023 साने को 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। मनोज रमेश साने कथित तौर पर HIV पॉजिटिव है और उसने जिस 30 वर्षीय महिला की हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से पुलिस को बताया कि पीड़ित सरस्वती वैद्य उनकी बेटी की तरह थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया है, प्रारंभिक पूछताछ के दौरान साने ने पुलिस को बताया कि 2008 में उसे पता चला कि HIV पॉजिटिव है, तब से वह दवा पर है। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह है कि बहुत समय पहले एक दुर्घटना के बाद उनके उपचार के दौरान संक्रमित रक्त के उपयोग के कारण उन्हें यह बीमारी हुई थी। साने ने पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में यह भी कहा कि वेद स्वभाव से बहुत पजेसिव थी और उसे शक था कि जब भी वह देर से घर लौटता है तो वह उसके साथ विश्वासघात करता है। अधिकारियों को उद्धृत किया गया था। मीरा रोड मर्डर का आरोपी मास में घुमा लेकिन डेड फॉर डेड रेड नहीं किया गया, तब वह फंस गया था। अधिकारी ने आगे साने के हवाले से कहा कि 32 वर्षीय महिला कक्षा 10 SSC की परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रही थी और साने को उसे गणित पढ़ा रही थी। IE के रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस को 7वीं मंजिल के फ्लैट के एक दीवार पर एक बोर्ड मिला जिस पर गणित के समीकरण लिखे हुए थे। पहले यह बताया गया था कि साने एक राशन की दुकान पर काम करता था जहां उसकी मुलाकात वैद्य से हुई थी। अब सामने आया कि उसके पास इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी है। रिपोर्ट के अधिकारी के हवाले से कहा गया कि प्रमाण पत्र के बावजूद साने 10 साल से एक PDS दुकान पर काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। मनोज साने ने दावा किया कि सरस्वती वैद्य ने आत्महत्या कर ली। गुरुवार को बताया था कि साने ने पुलिस को बताया कि वैद्य की आत्महत्या से मौत हुई। दावे पर विस्तार से बताते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने IE को बताया कि आरोपियों ने पीड़िता को मीरा रोड के गीता नगर इलाके में अपने फ्लैट के फर्श पर पड़ा देखा। मुंबई 3 जून की सुबह उसने उसकी नाड़ी की जांच की और उसे मृत पाया। उसके खिलाफ कार्रवाई के डर से साने ने शरीर से छुटकारा पाने का फैसला किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने साने के कबूलनामे को उद्धृत किया। क्या पुलिस ने बरामद कर लिए शरीर के कटे हुए हिस्से? साने ने वेद के शरीर को एक इलेक्ट्रिकल ट्री कटर से छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया था और उन्हें आसानी से निपटाने के लिए इसके कुछ हिस्सों को प्रेशर कुकर में उबालकर गैस पर भून लिया था। गुरुवार को पुलिस ने रसोई में 3 बाल्टी खून से भरी मिली थी। बाल्टियों में कथित तौर पर शरीर के छोटे छोटे टुकड़े थे। IE के रिपोर्ट में पुलिस उपायुक्त जयंत बजवालेन के हवाले से कहा गया कि रसोई में एकत्र किए गए शरीर के अंगों को फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए सर जेजा अस्पताल भेजा गया। पूछताछ के दौरान मनोज साने ने कहा कि उसने शव को ठिकाने लगाने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला किया है और उसे इसका कोई पछतावा नहीं है।